बच्चे को संभाल नहीं सकती क्या? इसकी रोने की आवाज हमारे घर तक आ रही है। तो कुछ आ ही रहा है, कुछ जा तो नहीं रहा ना। खाली हाथ आ रही थी, मैं बच्चे के लिए गिफ्ट नहीं लेके आ सकती। अरे मैं, हाँ जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, तब मैं इसके हाथ में टैटू बनवा दूंगी कि मेरा बाप वेल है। ये तो जब बड़ा होगा तब होगा। अपने हाथ पे क्यों नहीं लिखवा देती कि मेरी माँ मेरे बाप जैसी दिखती है? जूस मी बिजनेस योर ओन माइंड। ओके फॉरन रह क्या इतर को इतनी अकल नहीं। बिजनेस योर ओन माइंड, माइंड योर ओन बिजनेस होता है। अच्छा जब तुम्हारे पास बिजनेस नहीं है तो माइंड क्या करना है ना? और सुनो बच्चों को ढंग से पालना, तो बच्चों के बारे में सब कुछ सीख लो। सब कुछ सीख लिया मैंने बच्चों के बारे में। इतनी आदत होगी ना मेरे को बच्चों के साथ रहने की, कल तो मैंने गलती से डायपर पहन लिया था। वाह तुम तो घर बैठे बैठे सारा बच्चों के बारे में सीख गए, और एक मैं हूँ जो ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए फॉरेन जाके आई हूँ। लेकिन आज मेरे ब्यूटी पार्लर का यहाँ पे उद्घाटन है, और मैं पता है मैंने उद्घाटन करने की किसको बुलाया हुआ यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का? अपनी माँ बुलाई होगी, और कौन आएगा? माँ नहीं, मैंने एक्शन के बाप को बुलाया हुआ है यहाँ पे। कौन एक्शन के बाप को? अक्षय कुमार को बुलाया हुआ है। अच्छा हाँ। तो फेशियल कराने श्रुति हसन आ रही होगी है ना? कुछ भी बकवास करती है। अच्छा लूज हो जाओ, यू जस्ट वेटिंग एंड वॉच। इफ यू डोंट बिलीव मी मैं उनको बुला सकती हूँ। लेडीज एंड लेडर, आर यू रेडी फॉर अक्षय कुमार? जब वो रेडी है तो फिर अक्षय कुमार आ ही जाएंगे। अक्षय कुमार जी, अक्षय कुमार। तेरे कहने पे रमेश कुमार ना आए, अक्षय कुमार क्यों आएगा? अक्षय कुमार आएगा। बकवास करती रहती कुछ भी। अक्षय, उनका पता भी ना कहाँ से आएंगे। अक्षय कुमार पाजी वेलकम अगेन। हमें तो यकीन नहीं, और आप सच में आ गए इसके कहने पे वो भी। और यकीन तो मुझे भी। एक बात बताओ मैं, ये हो क्या गया है? ये सारा इलाका आपका बदल क्यों गया है पाजी? थोड़ा बजट बढ़ गया है ऐसा? नए वॉलपेपर लगा दिए। ये कौन सी ब्यूटी पार्लर खुल गई? ये जी पाजी पिंकी टी गो ब्यूटी पार्लर। एक घंटे में श्रुति हसन बने जी पाजी। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, अक्षय कुमार के साथ श्रुति हसन भी आई हुई है। कपिल प्लीज पंच मी। और पंच नहीं पिंच होता, तेरे को उससे क्या होगा? तेरे को तो कम से कम सांप लड़ाऊं तब जाके तेरे को कुछ हो। पर इसको सांप नहीं लड़ा सकते पाजी, सांप भी नेवले जैसा मुंह देख के भाग जाता है। इसको मुक्का मारो ना पाजी, एक जाए बकवास करती रहती है यहाँ पे खड़ी। नहीं नहीं उनको मत मारो, सच में मार भी देते हैं। श्रुति आप भी आई हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ना ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है। इफ यू डोंट माइंड, ये इंटरनेशनल ब्यूटी पार्लर है, तो आप आई हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आपका मैं ना यहाँ पे एकदम टॉप क्लास फेशियल कर दूँ। श्रुति तेरे से फेशियल कराएगी? हाँ, इनकी स्किन विल बी ग्लो लाइक ए बल्ब इज जलाओ। तेरे साइकिल की दुकान खोली, तेरे से कोई पंक्चर नहीं लगवाता, तेरे से फेशियल क्यों कराएगी? अरे नहीं नहीं, आई विल कम फॉर फेशियल फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। बस मैं अभी अभी एक मिनट बेसन खोल के लाती हूँ। ओके बेसन किस लिए? देखो नए पार्लर का उद्घाटन हो रहा है, बेसन से इनका मैं फेशियल कर दूंगी और बाद में पकौड़े बना लेंगे उसी बेसन के। समोसे जैसा मुंह, तू यही सब काम करेगी, जा भाग जा यहां से। एक बार अक्षय बाजी के लिए और श्रुति के लिए जोरदार तालियां हो रहे हैं। अच्छा अक्षय पाजी जब भी कॉमेडी नाइट्स में आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। बकरी के बच्चा भी हो गया? हाँ जी पाजी। लेकिन ये थोड़े मिस्ट्री है, बकरा नहीं मिल रहा कौन सा था। चलो कोई बात नहीं, बकरी के बारे में बाद में बात करेंगे। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अक्षय पाजी जब भी कॉमेडी नाइट्स में आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हर बार नए हिरण के साथ आते हैं थोड़े। आप सबको पता ही है कि अक्षय पाजी की श्रुति की फिल्म आ रही है गब्बर। गब्बर का नाम सुनते हमारे दिमाग में सबसे बड़ा विलन आता है हमारे इंडिया का, हमारे मन में बैठ चुकी है बात कि गब्बर जो है विलन ही है। आप क्यों विलन बन के आ रहे हैं पाजी? देखिए वैसे जैसे कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, उसी हिसाब से गलत इंसानों को काटने के लिए एक गलत आदमी ही चाहिए। मतलब इससे बड़ा विलन कौन हो सकता है? गब्बर हम बचपन से देखते आए हैं, गब्बर से बड़ा विलन कोई नहीं। श्रुति बैठो, वुड यू लाइक टू हैव सम ग्रीन टी और समथिंग? यस आई वांट ग्रीन टी। मत मांगो, हमारा बजट नहीं है जी। पर पाजी मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि फिल्म का नाम गब्बर है, तो गब्बर क्या वाकई में वो बंदा गलत है? मैंने जब ये फिल्म की कहानी सुनी मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एक कॉमन मैन, एक मेरे जैसे कॉमन, मतलब मैं जो कैरेक्टर खेल रहा हूँ एक कॉमन मैन की कहानी है, जो करप्शन की वजह से, क्राइम की वजह से अपने फैमिली को खो चुका है, बहुत सारी चीज़ें खो चुका है, अपने ड्रीम्स खो चुका है, एंड उसके पास कोई और कोई तरीका नहीं होता जस्ट टू गेट वायलेंट अबाउट इट। बिकॉज वन थिंग इज देम, व्हेन अ कॉमन मैन गेट्स एंग्री नोबडी इन द वर्ल्ड कैन मेक हिम स्टॉप।
ये बड़ी अच्छी बात है भाजी, आपने हमेशा अपनी फिल्म में कोई ना कोई मैसेज दिया है। अब मैं श्रुति हसन को, आप सब जानते हैं हमारे शो में पहली बार आई हैं, श्रुति आपसे एक सवाल है, आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? आप मम्मी पापा से पूछो। मैं आपको बता दूं भाजी, जब हमें पहली बार श्रुति से मिला ना, हैदराबाद एयरपोर्ट की बात है, मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, तो मेरे को तो पता था श्रुति हसन पीछे आ रही है, तो आदमी का हौसला नहीं पड़ता ना। मैंने पीछे एक्सक्यूज मी, मैं अंदर ही मर गया, मैं कहो श्रुति हसन मेरी फैन आई, इन्होंने मेरे को हेलो भी नहीं कहा, कहती मेरी मैनेजर आपसे फोटो खिंचाना चाहती, खुद आगे निकल गई। भाई यू सो मीन। श्रुति बचपन से फिल्म इंडस्ट्री में रही हैं, क्योंकि इनकी फैमिली में सब एक्टर्स हैं, और आपने मेरे ख्याल से 6 साल की उम्र में गाना गाया था चाची 420 में ना जी। तो जब आप इतनी छोटी सी थी, आपने कभी सोचा था अक्षय कुमार के साथ फिल्म करेंगी और कॉमेडी नाइट्स में आएंगी? ऐसे कभी दिमाग में था? एक्चुअली जब भी मैं गाना गाती हूँ, मैं अक्षय जी के बारे में नहीं सोचती हूँ एक्चुअली, बट मुझे कभी लगा नहीं कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। अच्छा। हाँ एक्चुअली तो बाय चांस हो गया, और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बाय चांस। कैसे मतलब, डिसीजन आपका नहीं था पहले फिल्मों में आने का? नहीं, बहुत लोग कह रहे थे कि कर लो, बट मुझे लगा नहीं कि मैं कर पाऊंगी या मैं खूबसूरत हूँ या ऐसे सब। क्या बात कर रही हैं आप। पहली बार इंडियन टेलीविजन पे सरोज जी के सामने मैं सरोज जी कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जोरदार ताली। अच्छा ये सरोज जी, चलो अभी औकात पे आते हैं। 5678 9259 ये मेरा मोबाइल नंबर है, कभी शो रहेगा तो मेरे को बताना आप लोग, मैं बहुत शो करती हूँ। खैर, माय नेम इज सरोज खान एंड आई एम मोर देन अ टेररिस्ट। बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग मेरे से डरते हैं, सब घबरा जाते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वैसी कोरियोग्राफर नहीं हूँ, समझे, बहुत बड़ी कोरियोग्राफर हूँ। वाह वाह, क्या डांस किया तुम लोग, बहुत अच्छा, सीटी बजा के पैसा देगी, ये ले 100 रुपया रख। पता है मैं सीटी बजा के सबको 100 रुपया काय को देती हूँ? पहले मेरे को आरटीओ में जाने का बहुत शौक था। मेरा मन था कि मैं सीटी बजा के पैसा लूं, लेकिन फिर मैं कोरियोग्राफर बन गई, अभी सीटी बजा के पैसे दौड़ती रहती हूँ, क्या करे भाई। अभी मास्टर जी इधर आ गए हैं, कौन नाचेगा इधर? आजा आजा, डांस करके दिखा मास्टर को। अरे डर मत, आशीर्वाद है बेटा, आजा। मास्टर जी अच्छा सा कोई डांस करके दिखा, मैं देखेगी पहले। ए बजाओ, इसके लिए बजाओ, ऐसा ऐसा कभी हंसने का नहीं किसी, ऐसा डांस करता है। ऐसा डांस करता है तू? हाँ, नगाड़े संग ढोल बाजे, सबसे पहले जो नगाड़ा खाया है वो बाहर निकल। मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, अपनी नाभि में ना घर पे तेल भर के बच्चे लोग को बोलते थे, एक दुबई का कुआं। ऐसा डांस करेगा? भाग इधर, भाग इधर। ए, इधर दारू कौन पीता है? दारू पीता है, दारू पीता है, दारू पीते, दारू पीते तुम लोग, दारू पी रहे हैं लोग पीने का, लेकिन मेरा काय को पी रहे तुम लोग? नहीं नहीं, ये मास्टर जी के लिए, अंदर का कृष्णा है ना, वो जाग गया था, 1:30 बजे अपने को आदत रही। देखो क्या है जूही, हाँ। आपके साथ भी बहुत गाने किए हमने, है ना, कोरियोग्राफी में, कोरियोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन। जब आदमी स्टेज पर आता है तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, और डांस में जो है
सबको सेम समझो, हमको कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए। एक मिनट, आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं का को चा क्यों बोल रही हूँ, मैं सुपर हिट कोरियोग्राफर हूँ, तुमको क्या लेना दे, क्या लेना दे, मैं कुछ भी बोलेगी समझे। खैर मैंने इधर इंस्टीट्यूट खोला है और बड़े बड़े लोग आने वाले इधर इंस्टीट्यूट में, पता नहीं कौन आएगा आज अपनी बैंड बजवाने। ऐसे कर रही जैसे बहुत बड़ी स्टार है तू। अरे बेबी इतनी क्यूट है, मजाक कर रही हूँ। इतना भी सरोज जी बन जो अंदर का कृष्णा जाग जाता है। हेलो एवरीवन, हेलो, आप सबने मुझे नागिन में एक्टिंग देखना, गंदा एक्टिंग है, बहुत मस्त एकदम। आप सबने मुझे नागिन में एक्टिंग करते हुए देखा है, कॉमेडी नाइट्स बचाओ में कृष्णा और सुदेश से बेइज्जती कराते हुए देखा है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि इंसान को वही करना चाहिए जिसमें वो अच्छा है, तो मैं आज आपको गा के सुनाती हूँ। वाह, देखा ये लड़की ने आते ही माहौल कितना शांत कर दिया, बहुत अच्छी बच्ची, बहुत अच्छा। तो तैयार हो आप सब? हाँ, गाना गा सपोली। अरे 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 मास्टर जी, मास्टर जी, मेरे को येड़ा बनाते तुम लोग, पीछे से उसका बैकग्राउंड म्यूजिक देता है। मास्टर जी देखो कसूर उसका है, मार मेरे को रहे हो आप। मैं पत्तों को हाथ नहीं लगाती, सीधा जड़ काटती हूँ। ये क्या कर रही है? मैंने बोला ना मैं सीधा जड़ काटती हूँ, तेरी बेटी है ना तू जड़ साले। मास्टर जी इसको डांस सिखा दीजिए बस। जरूर, ऐसा थोड़ी है, मैं सबको सिखाती हूँ। हाँ मैंने माधुरी को सिखाया, फिर जूही को सिखाया, अब मैं चूही को भी सिखा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं सिखाती हूँ, इधर इधर आना। ये सबसे पहले आशीर्वाद लेंगे गुरु का। मैं अपना खुद का आशीर्वाद लेती हूँ क्योंकि मेरे से ज्यादा हिंदुस्तान में कोई टैलेंटेड नहीं है।